चाहता हूं कि जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन था, आज डिस्प्ले सेक्शन में लाइट की क्लास है। इसके पहले हमारी कल थी ग्राफिक्स की क्लास, आज है लाइट की क्लास और कल है हमारी टच की क्लास और एमओईडी की क्लास अभी पेंडिंग है। हेलो यस सर, एमओईडी की क्लास क्या है हमारी पेंडिंग। हम चाहते तो एक दिन में सारा दे सकते थे जो सारे इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, पर बाकी हमने नहीं दिया। हमने हमारे सेक्शंस को पूरा ब्रेक करके तोड़ तोड़ के दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सके। तो अब ये बताइए मुझे कि प्रैक्टिकल किस किस का डन है यहाँ पर? सबका डन है, तो सभी का डन है, सभी यहाँ पे करके बैठे हैं, सर्किट मॉडिफाई करके बैठे हैं। चलिए, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से और नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम है जनेंद्र जैन, मैं एमपी से हूँ। अच्छा, और मैं बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी भी काम नहीं किया। और फर्स्ट बात यह है कि मेरी आज यहाँ पर ग्राफिक्स लाइट की क्लास थी। ओके, तो उसमें हमारे लिए पहले थ्योरिकल पूरा समझाया गया और वो अपन को पूरा समझ में आया, फिर अपन ने उसका दिन में जो है आके यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें अपन को पूरी बात समझ में आई और उसके बाद अपन ने ये सर्किट के लिए मॉडिफाई भी किया और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए अपन ने पूरी की। ओके, इसकी आईसी की रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसके लिए अपन ने पूरी की। ओके, ठीक है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो हुआ क्या क्या है जिससे अपनी लाइट जली है। ओके ओके, एक्सप्लेन कीजिए। जी, सबसे पहले डीसी टू डीसी से अपना ये 4 वोल्ट आता है। ओके, इसके बाद ये एक बूस्ट कॉइल में होते हुए जो 10 एंग्री की है इसमें होते हुए और ये अपने इधर अपने कैपेसिटर के डायोड के, हाँ डायोड, सॉरी डायोड के प्लस पर जाता है और यहाँ माइनस पर ये होते हुए और यहाँ अपने डिस्प्ले कनेक्टर पर आ जाता है। इसके बाद ये अपना जो है प्लस पॉइंट जो है अपना कंप्लीट होता है। ओके, इसके बाद अपनी लाइट की जलने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट होती है 1.8 जो अपने यहाँ 5 नंबर पे आता है अपना 1.8, लेकिन अभी अपना डिस्प्ले जो है चालू नहीं हुआ। ओके, उसके बाद क्या होता है इसमें ये अपने यहाँ पर आ गया और जैसे ही अपना स्विचिंग यहाँ से जाती है तो अपने जो है ग्राफिक्स आ जाती, मतलब अपनी लाइट जो है ऑन हो जाती है। तो ये आज अपने लिए पूरा अच्छे से तरीके से समझ में आया। चलिए ठीक है, ठीक है, ऐसा मतलब मेरे लिए सिखाने के लिए एशिया टेलीकॉम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? लाइट सेक्शन। तो आप में से किस किस का लाइट जला? सबका लाइट जला है। yes, sir. मतलब तरीके से? yes, sir. मॉडिफिकेशन के साथ? yes, sir. ऑल सर्किट क्लियर है? yes, sir. D8 होता है, D5 होता है, D6 होता है या फिर 6 leg होता है, PMI होता है, PML होता है या 63P, सबके डाउट क्लियर है? yes, sir. अब ये बताइए कि बिना CPU MMC पावर के लाइट किस किस ने जलाया यहाँ पर? सबने जलाया। yes, sir. लाइव प्रैक्टिकल के साथ? yes, sir. अभी हमारे पास से सेट रिटर्न जाएगा क्या? no, sir. देखो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि एक ही दिन में लाइट भी पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स भी पढ़ाते हैं और टच भी पढ़ाते हैं और एमओएलईडी भी पढ़ाते हैं। हमने हर सेक्शन को अलग अलग रखा है। yes, sir. क्यों अलग अलग रखा है? ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एशिया टेलीकॉम मतलब एशिया टेलीकॉम मतलब थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप नेपाल से हैं तो आप मेरे इस नेपाल के स्टूडेंट का फीडबैक दे सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इनको इनका डायरेक्ट नंबर चाहिए तो आप हमारे दिए गए 7000731192 पे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी नेपाल के 2 स्टूडेंट हैं और जो फ्रेशर हैं जिनमें कभी भी CPU MMC को छोड़ो जिन्होंने कभी कोई IC पर काम नहीं किया, पर ये अपनी लाइव पावर IC लगा के 3rd दिन में और 4th दिन में लाइव 4G CPU लगा कर बैठे हुए हैं। इवन फेसबुक में इन्होंने लाइव CPU भी लगाया है लगा के और सर्किट को मॉडिफाई करके इन्होंने काफ़ी लेवल तक इन्होंने सीखा है। आप इनसे एक्सपीरियंस गेन करो कि क्या इनका इंडिया आकर एशिया टेलीकॉम में सीखना, रहना खाना सब कुछ सिर्फ एक सिंगल फीस, जिसमें अब इनको मैं 5G कोर्स का अपडेट दूंगा 3 महीने के जाने के बाद में इनको नेपाल में बैठे बैठे, और प्लस इनको अपना ऑनलाइन पूरा आईफोन का कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाल में, और इसके अलावा लाइफ टाइम का बैकअप इनको मिलने वाला है सिर्फ एक फीस में और ज़िंदगी भर का संबंध। तो ये आपको भी मिल सकता है, आप बस कॉल करो।
सो हाय दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन आते हैं, आप रिपेयर कर रहे हो या टेक्नीशियन हो या कहीं सीखने गए हो, तो आपने ये नॉलेज तो लिया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर एक अब सिंगल पावर नहीं आती है, डुअल पावर आती है, और इवन अब 5G हैंडसेट में 3 पावर या 4 पावर और अब मीडियाटेक के अंदर तो 5-5 पावर का सर्किट है। जनरली दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, तो सबसे पहले जो पहली पावर आई थी उसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो सब पावर का आया था। सो उन्होंने क्या किया, लाइट और ग्राफिक्स और DC to DC एक IC बना के प्रोटेक्शन के तौर पर एक सब पावर आपको दे दी जो कि चार्जिंग IC है। उसके बाद अब उन्होंने, क्योंकि CPU हैवी हो गया, ग्राफिक्स बदल गए, तो उन्होंने कोर पावर लॉन्च किया जो CPU के बग कॉलों को हैंडल कर सके, ग्राफिक्स हो गए, डाटा रैम के सप्लाइयाँ हो गई, तो उसके लिए ताकि पावर पर लोड ना आए और एक पावर के अलावा भी 2 पावर हो जाए। इस तरीके से अब सेट के अंदर अगर CPU ज़्यादा अच्छा है आपका, बड़ा है और अच्छे क्लॉक स्पीड पे काम करता है, तो वो 3 पावर या 4 पावर को भी रख सकता है। आपको सिर्फ उसका बूट सिक्वेंस समझना है कि चारों पावर कब ऑन होती हैं, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो हाय दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हो, IC नहीं लगाते हो, कनेक्टर या डिस्प्ले पे काम करते हो, फोल्डर वोल्डर बदलते हो, या आप नॉर्मल IC लगा रहे हो पर आपको CPU लगाने से डर लगता है, या आपको अभी भी नहीं पता है कि IC लगा दी पर सर्किट कैसे बनाए, और सर्किट आपको नॉर्मली फॉल्ट फाइंडिंग में आपको दिक्कत हो रही है, नेटवर्क सेक्शन हो गए, डेड सेक्शन हो गए, तो ये सुनहरा अवसर है, Acer Telecom को ज्वाइन करो, क्योंकि Acer Telecom एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में सबसे बड़ी लैब लेके बैठा है, प्लस आपसे IC लगवाने की गारंटी देता है, प्लस आपसे सर्किट आपको ट्रेस करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा, आपसे EMMC UFS सब कुछ, और ये पूरा एक्सपीरियंस स्किल के साथ आपको मिलने वाला है। एक फीस जहां आपको रहना फ्री, खाना फ्री, आपके वर्किंग बोर्ड फ्री, आईफोन का ऑनलाइन कोर्स फ्री उसके साथ 3 महीने के बाद, और आपके आपको मिलने वाला है आपके 5G का अपडेट, और ये सिर्फ Acer Telecom के स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो कम फीस के चक्कर में मत पड़ो, Acer Telecom को ज्वाइन करो, एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के साथ में काम करो। Acer Telecom देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।